जिनको मन चाहिए वस्तु चाहिए, जिस पर मन आ जाए वही मिल जाए। मन चाहिए वस्तु को प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के दिन नक्षत्र वही कृतिका होनो, कृतिका नक्षत्र में शुक्रवार होना चाहिए। शुक्रवार कृतिका नक्षत्र से युक्त हो तो आप मन चाही वस्तु को प्राप्त करने के लिए गणेशी की उपासना करें, गणेशी की पूजा करें और रोली पुष्प और अन्न दान भी करना चाहिए, तो मन चाही वस्तु आपको प्राप्त हो जाएगी। पार्वती ने कहा है महादेव, कुछ लोग पुत्र की अभिलाषा करते हैं कि हमें पुत्र हो, हमें पुत्र हो, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। सहस्त्र उपाय कराते हैं, लाखों उपचार कराते हैं, लेकिन फिर भी पुत्र नहीं होता। ऐसा कोई समाधान हो तो बताइए। महादेव ने कहा, देवी सुनो, जिनको पुत्र चाहिए उनको शुक्रवार के दिन कृतिका नक्षत्र में ही सोना चांदी का दान करने से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। देखो हमारे शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं और 27 नक्षत्रों का अलग 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 प्रभाव है। किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए हमें अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाए। कृतिका नक्षत्र इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें भगवान शिव की शिवलिंग का प्रागट्य हुआ और भगवान शिव ने स्वयं आशीर्वाद दिया और बताया कि कामना की पूर्ति के लिए ये यत्न प्रयत्न व्यक्ति करे तो उसकी कामना पूर्ण अवश्य हो जाती है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपकी तो छोटी आयु है और आप एक्सीडेंट से मर जाएंगे, आप घबरा जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या करें? कभी ऐसा का अवसर मिल जाए और आप ये चाहें कि हमारी कभी अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए पहले ही उपचार कर लीजिए। क्योंकि अकाल मृत्यु जब हो जाती है तब वो प्रेत बनता है, प्रेत बनता है तो आपको सताएगा, परेशान करेगा, न जाने किस चौराहे पे, किस पीपल के वृक्ष पर निवास कर ले। आपके घर के बगल में पीपल का वृक्ष है तो वहां प्रेत निवास कर लेगा, आपको आते जाते देखेगा, आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में कब बैठ जाएगा, कब आपको लेके चला जाएगा रोड की ओर, कब एक्सीडेंट करवा दे। पीपल की वृक्ष पर ही प्रेत और भूत निवास करते हैं। जिस पीपल की नित्य प्रति पूजा अर्चना हो, जल चढ़ाया जाए, परिक्रमा करी जाए, रोली चावल चढ़ाया जाए और कच्ची सूत से परिक्रमा लगाई जाए, तो ऐसे पीपल की वृक्ष पर भूत प्रेत पिशाच नहीं रहते। जिस पीपल की कभी उपासना नहीं होती वहां विष्णु का, जिस पर पीपल की उपासना होती है वहां विष्णु का निवास होता है और जिसकी उपासना नहीं होती वहां भूत प्रेत का पिशाच निवास स्थान रहता है। शनिवार को पीपल का वृक्ष लक्ष्मी से प्रतिष्ठित होता है, लक्ष्मी निवास करती है शनिवार के दिन पीपल की वृक्ष की जड़ में। लक्ष्मी और दरिद्रा ये दो बहनें हैं। शनिवार का अगर पीपल के वृक्ष का सिंचन करते हैं, परिक्रमा करते हैं 108 पूर्णमासी को, अमावस्या को, संक्रांति को, अष्टमी को, चतुर्दशी को, अगर आप पीपल के 108 परिक्रमा करते हैं तो आप लक्ष्मीवान बनेंगे। तो विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं तो उनके घर में जाके निवास कर। और रविवार को अगर पीपल की पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो लक्ष्मी की बहन दरिद्रा उस घर में निवास करती है जो उनका अर्चन बंधन करते हैं। प्रेम से कहो हर हर। तो अकाल मृत्यु का हरण करने के लिए और समस्त व्याधियों को मिटाने के लिए शनिवार के दिन कृतिका नक्षत्र में ही लोहा, नमक और उड़द और तेल, सौंठ, पीपल और गोल मिर्च
और फल कोई भी, और रोली और जल ये ब्राह्मण को दान दें। ऐसा करने से आपकी अकाल मृत्यु का सदैव के लिए हरण हो जाएगा, कभी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। कितने कितने समाधान महादेव ने आम सबको बताए हैं सुख से रहने के लिए, फिर भी व्यक्ति सुख का अनुभव नहीं करता, तो फिर भगवान कहते हैं फिर मैं क्या करूं, तुझे कुछ करना तो पड़ेगा ना, बिना कर्म किए तो कुछ प्राप्त होगा नहीं। प्रेम से कहो हर हर महादेव। तो महादेव की उपासना वंदना नित्य प्रति करनी चाहिए। जो नित्य प्रति महादेव की उपासना करते हैं वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। सूत जी कहते हैं कि महाराज सुनका दिक्रिश्यो कि भगवान शिव की रुद्राक्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। देखो मैं आपको काम की चीज बता रहा हूं, आपके मन की, आपके जीवन में काम आने वाली चीज। आपको मैं भजन कम सुना रहा हूं, आपको लग रहा होगा शायद कहीं बोर हो रहे हैं क्या बता रहे हैं, लेकिन एक एक वस्तु एक एक चीज आपके सबके काम की है। ध्यान से सुने, आपने सुना है रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष स्वयं भगवान का स्वरूप माना गया है शिव का। जैसे बिल्व पत्र स्वयं महादेव का स्वरूप है, और बिल्व पत्र का जो पूजन करते हैं वह समझो कि महादेव का ही पूजन करते हैं। बिल्व पत्र को जो जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ा करके अगर आप अपने ऊपर उसका सिंचन करते हैं, छिड़काव करते हैं जल का, तो समझ लीजिए कि जितने भी तीर्थ हैं समस्त तीर्थों का पुण्य, समस्त तीर्थों का स्नान का फल केवल बिल्व पत्र की वृक्ष की सिंचन करने से हमें प्राप्त हो जाते हैं। इतना बड़ा पुण्य है बिल्व पत्र का। और कहते हैं बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके अगर शिव का नाम का चिंतन किया जाए, ओम शिव 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 या ओम 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 या नमः शिवाय, तो महादेव जल्दी शीघ्र प्रसन्न होकर के भक्त को वरदान देने के लिए प्रत्यक्ष खड़े हो जाते हैं। और महादेव के प्रसन्न करने के लिए बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे अगर आप दीप मालिका सजाते हैं, दीप मालिका 11 दीप जला दिए, 21 जलाएं, 51 जलाएं, 108 जलाएं, 1000 जलाएं, लाखों जलाएं, जितना आप दीप दान करेंगे उतने ही जल्दी महादेव प्रसन्न होकर के तेरे मन चाही वस्तु का वरदान दे देंगे, ऐसा पुराण शिव कथा कहती है। और सदैव धनवान बनने के लिए कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन नहीं टिकता, धन आता तो बहुत है लेकिन पहले ही तैयार रहता है, यहां देना वहां देना, इसको देना उसको देना, फिर भी कम पड़ जाता। ऐसे कर्म के लिए धन को सदा एकत्रित करने के लिए आप सदैव लक्ष्मीवान रहें, आप धनवान रहें, आपके घर की लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहे, घर से रूठ करके न जाए, ऐसे लोगों को बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे 11 ब्राह्मणों को खीर और घी से भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें, वस्त्र का दान करें, ऐसा करने से आपके घर में सदैव लक्ष्मी निवास करेगी, आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। बिल्व पत्र वृक्ष आपको जहां भी मिल जाए प्रणाम करिए, शिव मंदिर आपको जहां भी मिल जाए दूर से ही शिवालय के शिखर को दर्शन कर लीजिए, देख लीजिए, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति की समस्त पापों का नाश होता है। शिखर दर्शन की बड़ी महिमा है। शिखर पर जो ध्वजा लगा है और वह ध्वजा लहराता हुआ आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि आपके सबके पाप हरण हो गए हैं। शिखर दर्शन
और जिस मंदिर पर गुम्मट ना हो, शिखर ना हो, वो मंदिर नहीं कहलाता। मंदिर वही है जहां शिखर है, और शिखर पर जिस पर ध्वजा हो वही सम्मान्य है, वही शोभामान है। शिखर पर ध्वजा जरूर होनी चाहिए। जो ध्वजा पहराते हैं, जो ध्वजा लगाते हैं ना शिखर पर, उनको बहुत पुण्य मिलता है। ध्वजा जब हवा से हिलती है तो उनको यश की प्राप्ति होती है। यश प्राप्त करने के लिए ध्वजा ही शिखर पर लगा देनी चाहिए। कम से कम एक साल में तो लगा ही देना चाहिए। जिस मंदिर का कोई वार्षिक उत्सव हो, या जन्माष्टमी हो, या नवरात्र का पर्व हो, या कोई और उत्सव मनाया जा रहा हो, तो शिखर पर ध्वजा जरूर लगाएं, नई ध्वजा। और जो शिखर पुराना है, जो ध्वजा पुराना है, झंडा, पुराने झंडे को फाड़ करके सबको चीर का वितरण करें, वो अपने हाथ में बांधें, गले में बांधें, कमर में बांधें, बच्चों के गले में बांधें। ऐसा करने से आपके बच्चे टोना टोटका भूत प्रेत के साये से बचे रहेंगे, बल और बुद्धि यश का विकास होगा, और आपका मन स्वस्थ होगा, आप प्रफुल्लित रहेंगे, आपकी मन वाणी हमेशा प्रभु का नाम का गान करेगी। हर चीज की बड़ी महिमा है। ध्वजा लगाइएगा। अब शिवरात्रि आ रही है, नई ध्वजा लगाना, यहां बड़ा झंडा लगाना। आपके बड़े भाव होंगे, आपके बड़े विचार होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा। 108 ध्वजा एक साल में लगाने चाहिए, 108 वृक्ष एक साल में लगाने चाहिए, 108 ब्राह्मण भोजन एक साल में कराने चाहिए, 108 दान एक साल के अंदर अंदर करने चाहिए। 108 की बड़ी महिमा, ध्यान और श्रद्धा से करें।